ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਾ ਬਦੰਗ ਸਮਾਰ ਮੈਸੇਂਜਰ ਮੈਸੇਂਜਰ ਕਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਮੈਸੇਜ ਕੋ ਇਧਰ ਸੇ ਉਧਰ ਲੈ ਕੇ ਆਤਾ ਜਾਂ ਜਾਤਾ ਹੈ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਜਾਣਤਾ ਹੈ ਪਾਲੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕੋ ਕਹਿਤੇ ਹੈ ਦੂਤ ਅਗਰ ਮੇਲ ਹੈ ਤੋ ਉਸ ਕੋ ਕਹਿਤੇ ਹੈ ਦੂਤ ਔਰ ਅਗਰ ਫੀਮੇਲ ਹੈ ਮਹਿਲਾ ਹੈ ਇੱਥੀ ਹੈ ਨਾਰੀ ਹੈ ਤੋ ਉਸ ਕੋ ਕਹਿਤੇ ਹੈ ਦੂਤੀ ਜਾਂ ਦੂਤੀ ਕਾ ਆਪਣੇ ਅਕਸਰ ਗਾਓ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਹੋਗਾ ਇਹ ਬੜਾ ਦੂਤੀ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀ ਦੂਤੀ ਹੈ ਦੂਤੀ ਕਾ ਮਤਲਬ ਇਧਰ ਕੀ ਬਾਤ ਉਧਰ ਪਹੁੰਚਾਣੇ ਵਾਲੇ ਮੈਸੇਂਜਰ ਔਰ ਜੋ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਕੇ ਧਮਕੀ ਬਾਤ ਕੋ ਇਧਰ ਸੇ ਉਧਰ ਫੈਲਾਤਾ ਹੈ ਉਸ ਕੋ ਕਹਿਤੇ ਹੈ ਬੁੱਧ ਧਮ ਦੂਤ ਯਾਨੀ ਬੁੱਧ ਕੇ ਧਮ ਕਾ ਮੈਸੇਂਜਰ ਉਸ ਕੋ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਧਰਮ ਦੂਤ ਵੀ ਕਹਿਤੇ ਹੈ ਧਮ ਦੂਤ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੂਤ ये आनंद भाग दस में जो कहानी है कौसंबी के घोसिता राम जो बिहार है यानी घोषित माने होता है घोषणा करना और आराम माने होता है जग जगह को बोलते हैं घोषित आराम और राम बोलते हैं उसको जो वहाँ रमन करते हैं यानी कि जो इसी या जो भिक्कू बैठे रहते हैं उनको राम भी कहते हैं भिक्कू भी कहते हैं। उस समय आनंद ने देखा कि आयुष्मान यानी आवुस उदाई ग्रस्त लोगों की एक बड़ी सभा से घिरे हुए बैठे हैं और धमकी देसना दे रहे हैं यानी उदाई भिक्कू का काम जो होता है देसना देने का वो कर रहे हैं और बड़ी ग्रस्तों की एक सभा है। ऐसा वो जब बिहार पहुंचते हैं तो भगवान बुद्ध को बताते हैं कि उदाई को मैंने देखा उदाई बहुत सारे जो ग्रस्त जन थे उनसे घिरे हुए बैठे थे और धमकी देसना कर रहे थे। तब भगवान बुद्ध ने आनंद से कहा आनंद धम्म दूत बनना या धम्म की देसना देना बड़ा ही मुश्किल काम है। धम्म देने वाले को पांच गुणों से युक्त होना चाहिए उसके पास पांच प्रॉपर्टी होनी चाहिए पांच उसके अंदर बातें होनी चाहिए तब उसको धम्म देने के लिए आसानी होती है। पहली बात कौन सी है पांच बात? पहली बात है कि उसे ढंग तरीका मैनर आना चाहिए यानी क्रम आना चाहिए कमंग आना चाहिए। कैसा कमंग आना चाहिए कैसा ढंग और तरीका आना चाहिए? अपनी बात को कहने का सलीका अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने का मैनर किस तरह से वो अपनी बात को पहुंचाए। यहां आप ये समझ सकते हैं कि भगवान बुद्ध जो पांच बातें बता रहे हैं वो किसी भी स्पीकर के लिए जैसे मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ या और भी जो स्पीकिंग करते हैं बोलते हैं भाषण देते हैं उनके लिए ये धम्म सूत्र है। ये वो बातें हैं जो हीरे के समान हैं। अगर कोई नेता बनना चाहता है स्पीकिंग में आना चाहता है तो उसको ये पांच बातें आनी ही चाहिए। दूसरी बात क्या है? दृष्टांत यानी दृष्टांत देकर अपनी बात को कहना चाहिए। पर्याय भी बोलते हैं इसको दृष्टांत भी बोलते हैं और दृष्टांत बोलते हैं संस्कृत भाषा में। दृष्टांत क्या है? दृष्टांत है जो देखा गया है जो दृष्टि है यानी कि जो देखा जा चुका है जिसका देखकर अंत हो चुका है यानी कि एक्सपीरियंस जो आपका अनुभव है उसको उन बातों में बताना चाहिए क्योंकि अनुभव धम्म के अनुसार सबसे बड़ा होता है। आपने क्या सुना क्या किसी ने बताया इससे फायदा नहीं होता। फायदा इससे होता है कि आपने उस बताए हुए का अनुभव कैसे किया। भगवान बुद्ध ने जितनी भी बातें बताई 45 साल में
वो जो उन्होंने 6 साल में और अपने पूरे 35 साल के जीवन में अनुभव किया, और डे बाय डे यानी हर रोज जो वो अनुभव करते थे ध्यान साधना विपस्ना एनालिसिस से, उसी को बताते थे। तो कहते हैं कि धम्म देशना धम्म दूत को, यानी धम्म के मैसेंजर को, धर्म दूत को दृष्टांत यानी पर्याय यानी आंखों देखी अनुभव की हुई, अपने शरीर से अनुभव की हुई, अपने मन से अनुभव की हुई बात कहूंगा या बात जानता हूं, ऐसा सोचकर वो दूसरों को धम्म के बारे में बताए। तीसरा वो कहते हैं जितने लोग वहां धम्म सुनने आए हैं उनके प्रति अपने मन में पॉजिटिविटी रखें, अनुकंपा रखें, यानी कि उनके प्रति अच्छा भाव रखें, उनके प्रति एक तरह से दया और करुणा रखें कि इनको सिखाना है, इनको धम्म बताना है। ऐसा सोचकर अपने मन में पॉजिटिव बात लाकर, सकारात्मक बात लाकर धम्म देशना धम्म को बताना चाहिए। चौथी बात वो कहते हैं कि मैं धम्म बताने के बदले में किसी भी भौतिक वस्तु की इच्छा आकांक्षा डिजायर अपने मन तक मैं भी नहीं रखूंगा। यानी ये सोचकर धम्म नहीं सिखाना चाहिए कि मैं इनको धम्म सिखा रहा हूं, अब बदले में मैं इनसे कुछ खाना लूंगा या पैसा लूंगा या कपड़ा लूंगा या कोई इनसे काम कराऊंगा या इनको मैं अपने अधीन करूंगा या अब ये मेरे गुलाम हो जाएंगे, चेले हो जाएंगे, चपाटे हो जाएंगे, यह सोचकर भी धम्म को नहीं सिखाना चाहिए। यहाँ तक कि ये मेरा मान सम्मान करेंगे, मेरा सत्कार करेंगे, मेरी प्रशंसा करेंगे, मेरी वाह वाह करेंगे, मेरा नाम लेंगे, मेरा नाम चारों तरफ फैलाएंगे, ऐसा सोचकर भी धम्म को नहीं सिखाना चाहिए। पांचवी बात वो जो दुनिया भर के स्पीकर हैं जो बोलते हैं, भाषण देते हैं, सिखाते हैं, अपनी बात पहुंचाते हैं, उनके लिए कहते हैं कि ऐसा सोचकर धम्म को सिखाना चाहिए, अपने आप को और दूसरों को मैं कोई भी नुकसान पहुंचाए बिना कोई भी उनको पेन या उनको कष्ट या उनको दुख पहुंचाए बिना अपनी बात को कहूंगा। यानी आप जो देशना दे रहे हैं, धम्म दे रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं, अपने दृष्टांत दे रहे हैं, उनमें कुछ ऐसी बात नहीं होनी चाहिए कि सामने बैठे हुए व्यक्ति में किसी को भी कोई कष्ट हो या दुख हो। कैसे? आपने देखा जो सभा है उसके अंदर कोई आपका ऐसा व्यक्ति है जो आपकी निंदा करता है, आपके साथ उसका व्यवहार पहले बड़ा खराब रहा है, और आपने अपने दृष्टांत में अपनी देशना में ऐसे उदाहरण दे दिए जो सीधे सीधे उसको आहत करते हैं, आपने घुमा फिरा के उसी का उदाहरण दे दिया, कोई बात आपके मन में कटु है तो आपने वहाँ उसको किसी रूप में पहुँचा दी, ऐसा सोचकर धम्म देशना धम्म दूत को नहीं देनी चाहिए। मतलब साफ साफ है कि कोई भी दुनिया का जो स्पीकर है अगर वो धम्म को, प्राकृतिक नियमों को बताना चाहता है, चाहे पॉडकास्ट पर, चाहे इंटरनेट पर, चाहे फेसबुक पर, चाहे यूट्यूब पर, चाहे स्पोर्टी पर, किसी भी प्लेटफॉर्म पर, चाहे किसी सभा में, चाहे कहीं वो लिख रहा है या कहीं बात कर रहा है, तो अपना मैसेज यानी धम्म का जो मैसेज है जो वो दे रहा है उसकी 5 बातें बहुत अच्छी तरह से उसे आनी चाहिए, बताने का ढंग और तरीका आना चाहिए, मैनर आना चाहिए, अपनी बात जो उसने अनुभव की है, जो उसने जानी है और जो सच है और जो खरी है और जो पॉजिटिव है, सभी के लाभ के लिए है, सभी को फायदा पहुंचाती है, वही बात बतानी चाहिए, दूसरों के प्रति करुणा दया और मन में पॉजिटिव फीलिंग रख के बात को बताना चाहिए। जो बात बताई जा रही है, जो स्पीकिंग की जा रही है, जो भाषण दिया जा रहा है, जो मैसेज दिया जा रहा है, उसके बदले में कोई भी चीज़ लेने का मन तक में भी विचार नहीं आना चाहिए, और किसी को भी अपनी बात से, अपने आप को या किसी को भी कोई दुख या कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, ऐसा भगवान बुद्ध ने आनंद को कहा। और ये नियम आज भी उतने ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं जितने
भगवान बुद्ध ने उस समय आनंद को बताए। यह है एपिसोड नंबर 10। धन्यवाद। Sangam Sarnam Darshan.